हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है 2019 का तो जल्दी से हम जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स के और जीके के हम सभी को देख लेंगे तो अगर आपको इनमें से हो सकता है कि आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिपार्टमेंट के उसमें से आपको ट्वेंटी आते हो या आपको ट्वेंटी आते हो अगर एक क्वेश्चन उनमें से नहीं आता है और वो, वो एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते तो आपको जरूर कर लेनी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा हु डिसाइड्स दी वर्किंग आवर्स ऑफ दी नाइट पोस्ट ऑफिस नाइट नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे कौन तय करता है सभी को पता होगा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किए जाते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ पे बोला गया कि जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं इनको अच्छे से पढ़िए बोला गया एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड देयर आर थ्री क्लासेज ऑफ पोस्ट ऑफिस तो पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार हमारे पास जो डाघर हैं उनके तीन वर्ग हैं दूसरा बोला गया एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड आर हेड डोज हेड ऑफिस सब ऑफिस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस गाइड डिपार्टमेंट के अनुसार जो हमारे पास तीन क्लासेस है पोस्ट ऑफिस की वो कौन सी है हेड ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट ऑफिस और उसके बाद बोला गया एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड देर आर फोर क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बोला गया कि पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार हमारे पास चार क्लासेस पोस्ट ऑफिस की और लास्ट बोला गया वैल्यू एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ द आर्मी पोस्ट ऑफिस कि हमारे पास जो मनी ऑर्डर्स होते हैं या फिर वैल्यू पेबल आर्टिकल होते हैं उनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि तीन क्लासेस हैं पोस्ट ऑफिस की उसके बाद सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है एच ओ एस और बो हमारे पास तीन क्लासेस जो है पोस्ट पोस्ट उनके प्रकार और यहाँ पे जो थर्ड बोला गया है कि यहाँ पे चार क्लासेस हैं पोस्ट ऑफिस की ये गलत है और फोर्थ भी हमारे पास सही है कि वैल्यू पेबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं किए जा सकते इसका मतलब कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे जिस ऑप्शन में सही होगी सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जिस ऑप्शन में होगी वो हमारे पास सही हो जाएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसमें तो यहाँ पे ये सही हो जाएगी नेक्स्ट बोला गया बिच फंक्शन ड्यूरिंग नाइट पोस्ट ऑफिस रात के डाकघरों में कौन सा काम स्थगित रहता है तो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी डिलीवरी वाला काम जो है सस्पेंड रहता है यानी कि रुका रहता है उसके बाद बोला गया प्रोहिबिटेड आर्टिकल कम्स अंडर बिच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बन निषिद्ध डाक वस्तुएं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बन की किस धारा में आती हैं सेक्शन फोर में आती हैं यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी उसके बाद बोला गया बट कम्स अंडर प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में से कौन सा निषिद्ध लेखों के अंडर आता है एनी लिविंग क्रिएचर्स और अदर थिंग्स इज आइदर नोक्शियस और लाइकली टू इंजर पोस्टल आर्टिकल्स कोई भी जीवित प्राणी या अन्य चीज जो या हानिकारक है या डार्क लेखों को नुकसान पहुंचाने की जिससे संभावना हो बिल्कुल उसको प्रोहिबिट माना जाएगा टिकेट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लोटरी तो यह भी इसमें प्रोहिबिट माना जाएगा अगर ऑथराइज ना की गई हो गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड कॉइन और बुलियंस और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग

Which holidays आर observed एज पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज डाकघर की छुट्टियों के रूप में किन छुट्टियों को मनाया जाता है तो रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे गुरु नानक बर्थडे, यानी कि गुरु नानक जयंती इन सभी को मनाया जाता है ऑल ऑफ दियो याचेगा रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसिस यहाँ पे फिर से बोला गया कि इन सेंटेंसिस को पढ़िए रेवन्यू स्टैप्स आर इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवन्यू स्टैप्स होती हैं राजस्व टिकटें होती हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है बिल्कुल सही बात है दीज स्टैंप्स कैन नॉट बी यूज फॉर दी पेमेंट ऑफ पोस्टेज और ये वाली जो स्टैम्प होती हैं रेवन्यू स्टैम्प इनका यूज नहीं किया जा सकता और किस चीज में नहीं किया जा सकता है डाक भार के भुगतान के लिए तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है तो पूछा गया बिच आर करेक्ट तो दोनों में से पूछा गया कौन सा सही है तो बोथ आर करेक्ट सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास 2021 के एग्जाम में पूछा गया है पोस्टमैन के एग्जाम में कि पिटनी बोवेज इज रिलेटेड टू जो किसका किससे संबंधित है तो डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग बिच एलोंग विद एंड डुप्लीकेट इज टू बी सप्लाइड बाई देंट्री इज एवेलेबल एट ओल्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इज कोल्ड एक थैले में डाक सामग्री की स्पूर्दगी की प्रणाली जिसमें ताला और डुप्लीकेट चाबी के साथ किराएदार द्वारा पूर्ति की जानी है सभी डाकघरों में उपलब्ध है उसको क्या कहा जाता है पोस्ट बैग उसको कहा जाएगा पोस्ट बैग सुविधा कहा जाएगा तो ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे पास डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वहां पर पोस्ट बैग वाली सुविधा उपलब्ध होती है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है उसके बाद बोला गया न्यन्था इज रिलेटेड टू न्यन्न्यथा का संबंध किससे है तो इलेक्ट्रॉनिक लेटर बॉक्स क्लियरेंस थ्रू सॉफ्टवेयर तो एक सॉफ्टवेयर होता है न्यन्था जिसके थ्रू क्या किया जाता है लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी क्लियरेंस की जाती है डिलीवरी ऑफ मेल आर्टिकल्स थ्रू पोस्टमैन मोबाइल हैज़ विच फॉलोइंग फीचर्स पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से मेल के जो सामान होते हैं आर्टिकल्स होते हैं उनकी डिलीवरी की विशेषताएँ क्या है तो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू मोबाइल फ़ोन जो आर्टिकल की डिलीवरी होगी मोबाइल फोन के थ्रू की जाएगी उसको स्कैन करके सिग्नेचर ऑफ कस्टमर्स कैन बी टेकन थ्रू फोन और उसके बाद क्या बोला गया कि जो कस्टमर होगा या जिसका जो एड्रेस ही होगा उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे फ़ोन के ऊपर रियल टाइम डिलीवरी डाटा अपडेटिंग और जिस टाइम पर आर्टिकल की डिलीवरी होती है वो डाटा कैप्चर होता है अपडेट होता है ओल

उसके बाद बोला गया ट्यूबर क्लोसिस स्पूटम प्ले कल्चर एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन मे भी ट्रांसमिटेड थ्रू मेल क्षय रोग थूक प्लेग संस्कृति या फिर एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन को मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है यहां पे बोला गया ऑल करेक्ट ऑल इनकरेक्ट ओनली ओल बन तो केवल एक सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा होगा ये डी ऑल करेक्ट बट सब्जेक्टेड टू फुलफिल दंडीशन मैं अंडर पोस्ट ऑफिस गाइड इनमें से जितनी भी हमारे पास बोली गई है ट्यूबरक्सिस बूटम हो गया प्ले कल्चर या फिर एंथ्रेक्सिस स्पोर वैक्सीन सभी को भेजा जा सकता है बाई पोस्ट बट इसमें क्या है कि जो भी कंडीशन उनको फॉलो करना पड़ेगा देन उसको भेजा जा सकता है नेक्स्ट बोला गया हमारे पास बीच क्लास ऑफ मेल्स एयर ट्रांसमिशन एज अ मैटर ऑफ कोर्स विदाउट पेमेंट ऑफ अतिरिक्त हवाई शुल्क के भुगतान के बिना किस वर्ग के मेल ट्रांसमिशन दिया जाएगा वो भी फ्री. तो कौन से दिया जाता है? जो मेल आर्टिकल इंशो्योर्ड किन मेल लेखों का बीमा किया जा सकता है तो रजिस्टर्ड लेटर वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड तो इन सभी का किया जा सकता है यहाँ पे जो ऑप्शन डी यहाँ पे

हु एज दी रिस्पॉसिबिलिटी टू क्लियर लेटर बॉक्सेस जो लेटर बॉक्सेस होते हैं उनको खाली करने की जिम्मेदारी किसकी होती है तो जो लेटर बॉक्स पीएन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी हमारे पास सी मनी ऑर्डर हैज बीन रिप्लेस्ड बाई बिच काइंड ऑफ सर्विस इन पोस्ट ऑफिस दीज डेज तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमारे पास कि जो पहले मनी ऑर्डर होते थे अब उसकी जगह पे कौन सी सर्विस आ गई है पोस्ट ऑफिस में तो ई एम ओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आ गया है. सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी नेक्स्ट बोला गया हमारे पास ऑल जर्नरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेल सर्विस मे बी Extracted फ्रॉम बिच मोबाइल एप्लीकेशन मेल स्वभाओं से संबंधित सभी सामान्य जानकारी किस मोबाइल एप्लीकेशन से निकाली जा सकती है तो पोस्ट इन्फो app जो होती है उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है पोस्ट ऑफिस के संबंधित जो भी जानकारी होती है आपने कोई आर्टिकल ट्रैक करना है आपको इंटरेस्ट रेट पता करना है सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती हैं उसके बाद बोला गया एक्सपैंड पी एम जी पी एम जी की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे तो पोस्ट मास्टर जनरल होती है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी मैच दी फॉलोइंग तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास यहाँ पे बताना है कौन सा सही है आर एम एस बोला गया रेलवे मेल सर्विस एस एस पी ओ एस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ये भी सही है ई एस एम ओ एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनी ऑर्डर ये भी सही है एच एम एस हाईब्रिड मेल सर्विस ये भी सही है तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया एनी पोस्ट ऑफिस बच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड एडीव एंड शोट बैग्स इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैट इज कोल्ड कोई डाघर जो मेल संचार के माध्यम से एक लाइन पर स्थित है और कार्यालयों के लिए बैग को बिना खोले उनको जो भी आगे वाले डाघर होते हैं उनके लिए थैलेब प्राप्त करता है और शोट करता है उसको क्या कहा जाता है तो उस ऑफिस को कहा जाएगा ट्रांजिट ऑफिस तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी यह क्या आ जाएगी हमारे पास सी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास ब्रांच ऑफ आर एम एसर क्लोज बैग्सिंग नोट इन एक शाखा जहां बंद बैग प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं इस इकाई में पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसिट मेल ऑफिस यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास सी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इन इम्पोर्टेंट सिटीजर मेल टेरिफ इजिंग मशीन है जिन महत्वपूर्ण शहरों में डाक यातायात अधिक होता है छंटाई की उच्च गति वाली मशीनें प्रदान की गई हैं उन जो छंटाई ऑफिसेज होते हैं या सोटिंग ऑफिस होते हैं उनको क्या कहा जाता है ए एम पी सी कहा जाता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स कहा जाता है नेक्स्ट बोला गया बीच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट यहाँ पे बोला गया कौन सा क्रैक्ट हमें बताना है डी बी ओ की फुल फॉर्म बोल गया ड्यू बैग ऑफिस तो ये यह पे गलत हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है एच आर ओ हेड्रिकोड ऑफिस सही है डी सेक्शन क्या होता है हमारे पास सेंट्रल बैग ऑफिस ये भी सही है आर एल ओ क्या होता है हमारे पास रिटर्न लेटर ऑफिस यहां पर बोला गया रीजनल लैंग्वेज ऑफिसर तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड थर्ड जो है हमारे पास एचआर ये सही है बाकी दोनों गलत हैं नेक्स्ट बोला गया बट इज आरएमएस की यहाँ पे फुल रेलवे मेल सर्विस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बोला गया हमारे पास बिच इज दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन पिन कोड नंबर पिन कोड जो होता है उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते है? होते हैं हैं सिक्स डिजिट पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी अब आते हैं हमारे पास जीके के क्वेश्चन तो पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बिच इज दी दाइस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम हिमालय पर्वत प्रणाली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ पे जो से ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास बिच स्टेट प्रोड्यूस हाईएस्ट वीट क्रॉप इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर हेक्टेयर किस राज्य में सबसे अधिक ज्यादा गेहूं फसल किलो पर हेक्टेयर के टर्म में पैदा होती है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आ जाएगा उत्तर प्रदेश नेक्स्ट बोला गया हु

वर्ड है आप वो पता कर लेना है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ही होगा डी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था तो बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक भी जिसको कहा जाता है उसने दिया था यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी नेक्स्ट बोला गया हु प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा अगर राजेंद्र प्रसाद जी तो यहां पर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है सही हो जाएगी ए ब्लाइंड पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड वॉन्ट्स टू क्रॉस दी रोड बट ही शी इज नॉट एबल टू डू सो बिकॉज लेकिन भारी यातायात के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा है। आप उस व्यक्ति के पास से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो बिल्कुल आप उसकी हेल्प करेंगे यू विल्प दी पर्सन टू क्रॉस दोड आप उस व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करेंगे नेक्स्ट बोला गया यू सा दैट सम ऑफ डर्टी पीसेस ऑफ पेपर्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर एट योर वर्क प्लेस बट विल यू डू आपने देखा कि आपके कार्यस्थल पर कागज के कुछ गंदे टुकड़े फर्श पर पड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे यू विल स्टार्ट शोटिंग ऑन योर क्लीज तो यहाँ पे बोला गया आप अपने सहकर्मी पर चलाने लगेंगे नहीं करेंगे ऐसा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा यू विल पिक अप दोज पेपर्स एंड पुट इन डस्टबिन आप उन कागज के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए यहाँ पे 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है इनमें से ही क्वेश्चन पेपर बहुत सारे इसी तरह के आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखने को मिले होंगे तो उसी तरह से 2021 में भी देखने को मिलेंगे तो आप जरूर इनको कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी दो में पूछा गया बट विल बी ऑफ समर्स फ्रॉम वन टू टेन एक से लेकर दस तक की संख्याओं का योग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास फिफ्टी नेक्स्ट बोला गया राम स्कोर थर्टी मार्क्स आउट ऑफ वन ट्वेंटी बट इज दी परसेंटेज राम ने एक सौ बीस में से सैंती अंक प्राप्त किए प्रतिशत क्या होगा तो यानी कि थर्टी पॉइंट एट थ्री परसेंट उसके मार्क्स आए हैं नेक्स्ट बोला गया बट इज दी ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर तो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कौन सी होगी ऑब्वियसली हमारे पास नाइनटी नाइन होगी नेक्स्ट बोला गया बट इज दी सिंबल ऑफ पाई पाई का यहाँ पे जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा पाई का सिंबल हमारे पास कौन सा होता है ये वाला नेक्स्ट बोला गया ए एंड बी कैन टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी एंड थर्टी डेज रिस्पेक्टेवली इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश दी वर्क और बी एक कार्य को क्रमशः क्रमश और तीस दिन में पूरा करते हैं यानी कि ए जो काम करता है बीस दिन में पूरा करता है बी उसी काम को तीस दिन में पूरा करता है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डी बारह डेज में नेक्स्ट बोला गया सिंप्लीफाई करना यहाँ पे बोला गया थर्टी सेवन माइनस यहाँ पे बिग ब्रैकेट में बोला गया फाइव प्लस उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है 28 एट माइनस यहाँ पे फिर से स्मॉल ब्रैकेट में 19 यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी हो हो है है भी जाती तो इस का आएगा 16 बोला गया हमारे पास 16, तो पे हमारे पास दी हुई है सीक्वेंस दी हुई है तो नेक्स्ट नंबर हमें बताने यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्वेंटी 25 उसके बाद बोला गया ये रियल एस्टेट एज एंड से रूपीज एटीन थाउजेंड इच दो साइटों को अठारह हजार रुपए में बेचता है यानी कि दोनों को अलग अलग बेचता है पहली को भी अठारह हजार रुपए में बेचता है दूसरी को भी एक पर उसको पच्चीस प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरे पर उसको पच्चीस प्रतिशत की हानि होती है तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी तो उसका जो आंसर आएगा यह हमारे पास बी सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट लोस उसको होगा यानी कि का उसको नुकसान होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया व्हाट इज़ वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की पे आपको तो ये आप uh, देख सकते हैं तो इसमें हम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जो ऑप्शन सही होगी होगी सिक्स डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी नेक्स्ट बोला गया है, हमारे पास रकेश वॉक फाइव किलोमीटर टवर्ड्स ईस्ट देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेन किलोमीटर टवर्ड्स नॉर्थ अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फाइव किलोमीटर अगेंस्ट टर्न लेफ्ट एंड वॉक ट्वेंटी किलोमीटर बट विल बी द डिसमेंट फ्रॉम हिस् स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां पे बोला गया राकेश पूर्व की ओर पांच किलोमीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और उत्तर की ओर दस किलोमीटर चलता है फिर से बाई मुड़ता है और पांच किलोमीटर चलता है फिर से बाई मुड़ता है और बीस किलोमीटर चलता है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से यानी कि जहां से उसने चलना शुरू किया था उस जगह से अब वो कितनी दूरी पर है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यह आएगा हमारे पास टेन किलोमीटर भी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी तो ये था हमारा दो का क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बार बार हमारे पास दो के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं तो आप इनको जरूर कर लीजिए ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू